हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रीड डिजाइन्स में। तो आज हम बनाएंगे कुर्ती के घेरे का डबल कट वर्क वाला डिजाइन। तो सिंगल कट वर्क वाला डिजाइन हमने पहले बनाया हुआ है, उसको हमने पेस्टिंग के साथ बनाया था, ये हम बुकरम के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बुकरम ली है और ये लगभग 2.5 इंच चौड़ी है और लंबी हमारे घेरे के जितनी ही है। और ये एक बुकरम का छोटा सा पीस लिया है, लगभग 3 इंच लंबा है ये और 2.5 इंच ही चौड़ा है। तो इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है और अब हम इससे कटवर्क का पैटर्न कट करेंगे। तो ये हमने ऐसे राउंड ड्रॉ कर लिया है, ये लगभग 1 इंच ही लंबा है और 1 इंच ही चौड़ा है, ये देखिए। तो ऐसे ये ओपन वाली साइड है और अब हम इसको अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर देंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अब हम बुकरम पे अपने पैटर्न को रख के कटवर्क ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से लगभग नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच बुकरम को छोड़ना है और सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ये हमने 1/2 इंच सीधा सीधा मार्क कर लिया है और अब हम इसी के ऊपर अपने पैटर्न को रखेंगे। एक कोने से हम पैटर्न को रखना शुरू करेंगे इस तरीके से, और यहां बिल्कुल अपने पैटर्न के साथ साथ ड्रॉ कर देंगे कटवर्क को। तो ये देखिए सारा कटवर्क ड्रॉ हो चुका है हमारी बुकरम के ऊपर और अब हमने अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट भी कर देना है। तो ये देखिए इसको हमने अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लिया है, ये पूरा कटवर्क हमारा कट हो चुका है। और अब हम ये कुर्ती का ही फैब्रिक लेंगे, ये लगभग 3.5 इंच चौड़ा लिया है मैंने और लंबाई इसकी घेरे के जितनी ही है। और अब हम क्या करेंगे, इस पे इस तरीके से ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ के फैब्रिक पे ये कटवर्क को हमने पेस्ट करना है। अगर आपकी पेस्टिंग वाली बुकरम है तो बेटर है, अगर नहीं है तो आप इसको ये फ्यूज पेपर यानी कि पेस्टिंग के साथ इसको फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और अब हमने सेम ऐसा ही सेम पैटर्न यानी कि कटवर्क वाला पैटर्न एक और कट करना है। तो उस वाले कटवर्क को आपने क्या करना है, कुर्ती के अंदर जो भी आपका कलर का कंट्रास्ट है उस कलर के फैब्रिक के ऊपर आपको पेस्ट करना है। जैसे मेरी ये कुर्ती में ब्लू कलर के डॉट्स है तो मैं ब्लू कलर के फैब्रिक के ऊपर उसको पेस्ट करके अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमने दूसरा पैटर्न भी कट कर लिया है। जैसे ये वाले पैटर्न में हमने नीचे 1/2 इंच बुकरम छोड़ी थी ना, और यहाँ पे मैंने लगभग 1 इंच छोड़ी है। ये देखिए 1 इंच को सीधा सीधा मार्क करके उसके बाद आपने कटवर्क ड्रॉ करना है। तो ये देखिए इस वाले पैटर्न को भी मैंने ये ब्लू कलर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और सेम इसके जितना ही लंबा और चौड़ा एक और फैब्रिक लिया है मैंने। और अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे बिल्कुल बराबर और यहाँ अपने कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगा देंगे। तो ये कटवर्क के साथ साथ हमने सिलाई लगा दी है, अब हम ये वाले फैब्रिक को कट कर देंगे एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए बाकी के फैब्रिक को कट कर दिया है और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो कट भी हमारे लग चुके हैं और अब हम कटवर्क को पलट लेते हैं। तो ये देखिए ये ब्लू कलर का कटवर्क हमारा ऐसे तैयार हो गया है, मैंने इसको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी दिया है
और यहाँ ऊपर से इसको इंटरलॉक भी कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने इंच हमारा ये तैयार हुआ है कटवर्क। तो ये लगभग 3 इंच ही तैयार हुआ है, इतना ही आपका ये रेडी होना चाहिए क्योंकि ये नीचे की तरफ बढ़ता हुआ लगना है। तो ब्लू कलर का पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, ये व्हाइट कलर के पैटर्न को हम अपनी कुर्ती पे रख के स्टिच करेंगे। तो कुर्ती की हम सीधी साइड लेंगे और घेरे वाली साइड, और पैटर्न को इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। यहाँ अपने कटवर्क के साथ साथ हम सिलाई लगा देंगे। उससे पहले क्या करेंगे, दो रफ स्टिच कर लेते हैं, एक इधर को और एक इधर को, ताकि हमारा जो पैटर्न है वो हिले ना। तो ऐसे हमने कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगा दी है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए बाकी के फैब्रिक को कट कर दिया है और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो कट हमारे लग चुके हैं, रफ स्टिच खोलते हैं यहाँ से और इसको पलट लेते हैं। तो ऐसे ही हमने सारे कटवर्क को पलट लेना है। तो ये देखिए सारा कटवर्क हमने पलट लिया है, तो पीछे से भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे रफ स्टिच कर देंगे तुरपाई के लिए। तो ये देखिए ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसके नीचे ब्लू वाला पैटर्न स्टिच करेंगे। तो कुर्ती भी हमारी रेडी है और ये कटवर्क भी हमारा तैयार है। और अब हम इसको कैसे रखेंगे, इस तरीके से इसको रखेंगे कि ये वाला जो ऊपर वाला कटवर्क है ना, नीचे वाले कटवर्क के सेंटर में आना चाहिए ऐसे, और लगभग यहाँ इसके नीचे आधा पौना इंची होना ही चाहिए। तो ये देखिए कटवर्क हमारा पूरी तरह से ये तैयार हो गया है और कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है। तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुर्ती रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसके स्लिट्स भी फोल्ड कर लिए हैं और कितना ब्यूटीफुल हमारा ये घेरे का डिजाइन बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।